21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस मुख्य रूप से पूरी धरती यानी पूरे विश्व पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो सबसे पहले 1982 ईस्वी में किया गया था। पहली बार 1982 ईस्वी में 21 सितंबर को मनाया गया था। तभी से यह प्रतिवर्ष 21 सितंबर को ही विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगर हम बात करें तो आज मनुष्य इस शांति से दूर होता चला जा रहा है। आज चारों तरफ फैले बाजारवाद ने शांति को व्यक्ति से दूर कर दिया है। पृथ्वी, आकाश और सागर सभी क्या है? अंश है। स्वार्थ और घृणा ने मानव समाज को खंडित करके रख दिया। अगर हम देखें तो भाई भाई का नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं, कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे से स्वार्थवश वो रिश्ता बना के रखे हैं जो पहले हुआ करता था। और घृणा के भाव से देखते हैं, सब एक दूसरे को निगेटिव थिंकिंग ही सोचते हैं सबके बारे में, कभी पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच नहीं सोचते। अगर हम सकारात्मक सोचे, अपनी सोच में बदलाव लाए तो हम शांति के पास रह सकते हैं, शांति से सुकून से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन आदमी के अंदर अब वह है ही नहीं, वो भावना ही नहीं है। क्यों? तो विश्व में शांति का संदेश हर युग हर दौर में दिया जाता है, लेकिन इसको अमल करने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत बेहद कम लोग हैं इस पे अमल करते हैं, इसकी बातें मानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व शांति दिवस मनाने का उद्देश्य था, इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने चार्टर में इस बात का उल्लेख किया है कि संघर्ष, आतंक और अशांति के इस दौर में अमन की अहमियत का प्रचार प्रसार करना बेहद जरूरी है। ठीक है, मतलब इसके लिए हम प्रचार और प्रसार करेंगे। अब इसकी बात करते हैं, आपको सफेद कबूतर दिख रहा है ना, सफेद कबूतर उड़ाने की परंपरा क्या है? विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में हर देश में जगह जगह सफेद रंग के कबूतर उड़ाए जाते हैं। किसी शायर ने खूब कहा है, लेकर चले हम पैगाम भाईचारे का, ताकि व्यर्थ खून ना बहे किसी वतन के रखवाले का।